सोमवार की रात दो कांस्टेबल एक घायल मरीज को गंभीर हालत में सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय के इमरजेंसी में लेकर आए थे, जिसे इमरजेंसी के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। दोनों कांस्टेबल मरीज को मेडिकल कॉलेज ले जाने से इनकार करने लगे और डॉक्टरों से जिला अस्पताल में ही उपचार करने की जिद करने लगे। जब इमरजेंसी के डॉक्टरों ने उनकी बात नहीं मानी तो गुस्साए कांस्टेबलों ने इमरजेंसी के डॉक्टर और नर्सों के साथ हाथापाई कर ली, जिससे अस्पताल परिसर में काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। हंगामे के बाद डॉक्टर और स्टाफ ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं रोक दी और हड़ताल पर चले गए। डॉक्टरों द्वारा सेवा ठप होने की वजह से मरीज परेशान हो गए और अफरा तफरी मच गई। अंततः कांस्टेबलों द्वारा माफ़ी मांगने और आश्वासन मिलने के बाद इमरजेंसी सेवा बहाल किया गया। बुधवार को प्रमुख अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस फोर्स को तैनात किया जाता है, लेकिन जब पुलिस के लोग ही डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करेंगे तो उनसे कौन सुरक्षा करेगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, कौन है? 20 तारीख की रात्रि में दो कांस्टेबल एक घायल मरीज को लेके आए थे, तो EMO ने उनको देखा, बहुत सीरियस मरीज था। उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इस पर वो मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए तैयार नहीं हो गए और पुलिस के जवान जो है डॉक्टर से ही जो है अभद्रता करने लगे, खींचने तानने लगे, उनको जो हाथ पकड़ के खींचने लगे, आला वगैरह उनका खराब कर दिए, खींच दिए, यही विवाद हुआ। उसके बाद फिर तब लेके चले गए वहाँ से। इसके विरोध में डॉक्टरों ने और समस्त स्टाफ ने जो है तुरंत कार्य बहिष्कार कर दिया, कहा कि नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर पुलिस के लोग आए, हमने भी सूचित किया, उसके बाद इन्होंने तहरीर दिया। तहरीर के बाद काफ़ी देर तक इस बात पर अड़े रहे डॉक्टर लोग की और समस्त कर्मचारी की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद फिर EMO और समस्त स्टाफ इस बात पर राजी हुए कि जब माफ़ी मांगते हुए सॉरी प्रकट करें तो हम लोग इस कार्रवाई के लिए जो है विथड्रा कर लेंगे। वह सिपाही आके उन्होंने माफ़ी मांगा कि ठीक है, आप आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसके बाद मामला ख़त्म हो गया, फिर सारा कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। सर, अक्सर रात में जिस तरह की घटनाएं होती हैं डॉक्टरों के साथ, ऐसे डॉक्टरों की सुरक्षा पे सर आप कुछ कर सकते हैं? अब सुरक्षा पर तो शासन प्रशासन को सूचित किया जाता है कि वहाँ पुलिस की व्यवस्था हो, लेकिन जब पुलिस के लोग ही आके डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो उनके से सुरक्षा कौन करेगा।